यूपी के महोबा जिले से खबर है, जहां अजनर थाना क्षेत्र अंतर्गत कबूतरा डेरा में संयुक्त पुलिस टीम के द्वारा छापेमार कार्रवाई करते हुए 2050 लीटर अवैध शराब बरामद की। तो वहीं मौके से 4 शराब बनाने की भट्टी तथा उपकरण भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इस दौरान करीब 22 क्विंटल लहन को भी पुलिस के द्वारा नष्ट करने का काम किया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के द्वारा बताया गया कि कुलपहाड़ सर्किल क्षेत्र की पुलिस टीमों के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई के चलते अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाकर छापे मारी के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां भारी मात्रा में पुलिस ने अवैध शराब बनाने के उपकरण और भट्टियों को बरामद किया और अवैध शराब के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें चौकीदारों ने भी बड़ा सहयोग दिया है। कुलपहाड़ सर्किल क्षेत्र में पुलिस ने सर्किल की टीमों को संयुक्त रूप से लेते हुए अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज सीओ कुलपहाड़ और उनकी टीम, जिसमें उनके 3 थानों की फोर्स शामिल है, के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अंतर्गत थाना अजनर क्षेत्र में 2050 लीटर अवैध शराब बरामद हुई है। 4 भट्टियां बरामद हुई हैं जिन पर शराब बन रही थी। 22 कुंटल लहन इसमें नष्ट की गई है। साथ ही साथ शराब बनाने के जो उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं और 4 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे अभियान में जो क्षेत्रीय गांव के जो चौकीदार थे उनका पूरा सहयोग लिया गया। इस बड़ी कार्रवाई को लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। कुछ क्षेत्र में सूचनाएं भी प्राप्त हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में, जिसके अंतर्गत ये आज सफलता प्राप्त हुई है।